तो नमस्कार फ्रेंड ये स्टेक्निकॉल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कि आप अपने मोबाइल से कैसे ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं जी जिया आप अपने मोबाइल से ही कैसे ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं तो सिंपली से गैस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेलेकन को भी जरूर से प्रेस कर देना ताकि गैस आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे सिंपली से गाइज वीडियो को स्टार्ट कर ले सबसे पहले गए आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करके गए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होता है जिसका नाम है मेक माई ट्रिप तो इस एप्लीकेशन को हमने पहले से ही डाउनलोड किया हो तो सिंपल गैस में इसे ओपन कर लेता हूँ तो गैस यहाँ पर देखिए गैस मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ तो गैस इस एप्लीकेशन का कुछ इंटरफेस कुछ इस टाइप से होगा गैस इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर की साइड ट्रेन एंड बस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो इस पर हमें सिम्पल्सिकाइज क्लिक कर देना होता है तो सिंपली सक्रज मैं इस पर क्लिक कर दे इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर की सामने हमें बुक ट्रेंड्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस पर मैं सिम्पल सिकाइज क्लिक कर देना होता है इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली सिम्पल जर्नी स्टेशन को यहाँ पर फिलअप कर देना होता है सिम्पल स्कैज मैं इस ऊपर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जर्नी स्टेशन को यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ जैसे कि मैं जाना चाहता हूँ चेन्नई सेंट्रल से काटवाड़ी सॉरी काटपाड़ी जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल तक जाना चाहता हूँ सिम्पल सकेज मैं यहाँ पर उसे फिलअप कर देता हूँ तो सिम्पल सिकेज मैं यहाँ पर अपने जर्नी स्टेशन को यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ फिलअप करने के बाद हमें पर डेट यहां पर सिलेक्ट कर लेनी होती है सिंपल में डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से डेट सिलेक्ट कर लेता से डेट सिलेक्ट कर लेता हूं डेट सेलेक्ट करने के बाद हमें नीचे की साइड अपने कोच को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना जैसे कैसे हमें स्लीपर कोच में यात्रा करना चाहिए स्लीपर कोच कोच को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है फिर हमें सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करते ही गए हमारे सामने वो सभी ट्रेनें शो करने लग जाएंगी जो कि काटबाड़ी जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल तक जाने वाली है तो यहाँ पर देखी गई बहुत सारी ट्रेनें शो करी है तो इधर आपको अपने टाइम और डेट के हिसाब से यहाँ पर ट्रेन सेलेक्ट कर लेनी है तो जैसे गेज मैंने ये वाली ट्रेन यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है फिर हमें यहाँ से गई अपने कोच को सेलेक्ट कर लेना हो जैसे मैं स्लीपर कोच में यात्रा करना स्लीपर कोच के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ इस पर क्लिक करते ही गई हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा गाइज तो यहाँ पर देखिए गईज फर्स्ट में अपना आई का यूजर नेम यहाँ पर फिलअप कर देना होता है सिमटल स्क्रेज मैंने पहले से अपना आई का यूजर नेम बनाया हुआ तो मैं ये गाइज यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ तो सिमटल स्केज मैं अपने आई का यूजर नेम यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ फिर हमें सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है तो गैज मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो से गैज मैं यहां पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा तो इधर हमें नीचे की साइड स्क्रॉल करते हुए आना और यहाँ पर देखिए गए गेट फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो यदि आप अपना कैंसिलेशन फ्री कराना चाहते हैं तो येस पर कर देना है और नहीं करना चाहते नो के पे ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है फिर हमें सिम्पल से फिर से ऊपर की साइड आ जाना है और यहाँ पर देखिए गज यहाँ पर एड न्यू ट्रेवलर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ट्रेवलर की पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देने होते हैं जैसे कैसे मैं अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करके बता देता हूँ तो सिम्पल कैसे फर्स्ट में मुझे अपना नाम फिलअप कर देना फिर हमें सेकंड में अपनी एज यहाँ पर फिलअप कर

शो कर तो, करे पर इसमें से कौन से ऑप्शन को फिलअप करना है तो इसके लिए हमें नीचे की से कंटिन्यू के ऑप्शन पर सबसे पहले फिल क्लिक कर देना है तो से सिंपलिकाइज मैं यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें देखिए यहां पर कूपन कोड का एक ऑप्शन फिलअप करने को बोल रहा है तो यहाँ पर कोई भी अपने हिसाब से आपको नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है जैसे कि वाइज मैं अपना कोई भी एक नंबर यहाँ पर फिलअप कर देता जैसे देव वन मैं अपना यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ तो सिंपल से मैं इस नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ फिर हमें सिंपल से सिंपलिस अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना

इस पर क्लिक करते ही गई हमारे सामने कुछ सर्चिंग बोर्ड शो करेगा गाइज फिर हमारे सामने हमारे टिकट की पूरी डिटेल्स यहाँ पर शो करने लग जाएगी तो यहाँ पर देखिए गई हमारे ट्रेन का नाम हमारे ट्रेन की पूरी जर्नी यहाँ पर शो करेगी और नीचे की साइड हमारे ट्रेन का फेयर भी यहाँ पर शो करने लग जाएगा तो यहाँ पर देखिए गई हमें यहाँ पर इस टिकट को बुक करना चाहता है पे एंड बुक के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है सिंपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इस पर क्लिक करते हमारे सामने वो सभी ऑप्शन शो करेंगे जिससे कि हम अपने टिकट का पेमेंट कर सकते हैं सभी ऑप्शन शो कर रहे हैं तो आप किसी भी से आपने का पेमेंट कर सकते जैसे अपने का पेमेंट करेंगे तो आपका टिकट है वो कन्फर्मडली बुक हो जाएगा गाइज तो इस तरह से गाइज आपने मोबाइल से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर सकते है तो उम्मीद करता हुआ गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइज थैंक यू गाइज